चंदो से अग्निशमन विभाग लगने वाली दुर्घटनाओं को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए चला रहा जागरूकता कार्यक्रम। जिस तरह से एक गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं होती हैं, उसको लेकर अग्निशमन विभाग पहले से ही सतर्क है और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर ग्राम प्रधानों को इन घटनाओं से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस विषय में मुख्य अग्निशमन अधिकारी संबल प्रताप सिंह ने बताया कि इस समय हमारे विभाग के द्वारा अग्नि शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है तथा 14 अप्रैल से अग्निशमन सप्ताह मनाया जाएगा, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। सर, जैसे अक्सर दुकानों में, फैक्ट्री में, मकानों में गैस के सिलेंडर में आग लगने की वारदातें सामने आती हैं, वो कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हो या कोई किसी तरह की कोई लापरवाही होती है, तो उसके लिए आप क्या बताएंगे लोगों को, कैसे जागरूक करेंगे? उसके लिए हमें जो है एक हमारा अग्नि शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है और 14 अप्रैल से हमारा अग्निशमन सप्ताह मनाया जाएगा और आगे, क्योंकि जो तापमान में जो है गर्मी बढ़ रही है और आग बहुत लगेंगी, गेहूँ के खेतों की कटाई भी होगी तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत आओ, तो उसी के संबंध में विभाग से फायसल मुख्यालय निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसी क्रम में डीएम साहब को लेटर लिखा गया है और 30 तारीख से लेकर 7 अप्रैल तक जितने जनपद के ब्लॉक हैं, 8 ब्लॉक हैं, इसमें बनियाखेड़ा है, बहजोई है, पवासा, संभल, असमौली, रजपुरा, गुन्नौर और जुनावे, इसमें जो है हमें जिला पंचायत अधिकारी से एक शेड्यूल मिला हुआ है, उसमें जो है डेली के बेस पे हम जा रहे हैं और सभी ग्राम प्रधानों को इकट्ठा करके ब्लॉक वाइज पे उनको कुछ हमने अपनी सामग्री जो दी हुई है और कुछ उनको और समझाया जा रहा है कि जिससे कि गर्मी में आग लगने से उसको बचाया जा सके। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में गेहूँ कटाई होनी है या गर्म राख लोग डाल देते हैं चूल्हे पर, उसको ना डालें, और गहाई करते समय कुछ पानी रखें अपने पास, एक वहाँ पर फायर सर्विस के सबको नंबर दे दिए गए हैं। इसी के क्रम में जब ये प्रोग्राम, तो उसके बाद हम फिर शहरों में जो घर में, दुकान में, फैक्ट्रियों में आग से क्या क्या बचाव किया जाए उसके संबंध में दूसरा प्रोग्राम 7 अप्रैल के बाद किया जाएगा और ये लगातार पूरे अप्रैल, पूरे मई के महीने में सभी जगह जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिससे कि उनकी जनहानि और धनहानि को रोका जा सके।